ने बॉम्बे प्लाजा है ग्रांड होटल और ओनली चोरी का माल। अभी मार्केट में ट्रेन चल रहा है न्यू आया कितना 250 ना 550 में मिलेगा, फुल्ली स्ट्रेचेबल है। कलेक्शन देख रहे हो गाइस, शर्ट की कलेक्शन देखो क्या शर्ट है, देख रहे हो सिर्फ 100 रुपए में यहाँ टी शर्ट है, एक से एक कलेक्शन है गाइस। इस स्टाइल में जींस को राउंड करके बेची जाती है। हे गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस हर बार की तरह फिर से एक नई जगह पे आया हूँ ब्लॉग बनाने के लिए और एक्सप्लोर करने के लिए। तो गाइस आज मैं आया हूँ, आप पीछे जो बिल्डिंग देख रहे हो ना, यह ग्रैंड प्लाजा होटल जो कि धर्मतल्ला की है और यहीं पर ही धर्मतल्ला मार्केट की शुरुआत होती है। ठीक इसके नीचे धर्मतल्ला मार्केट है और धर्मतल्ला मार्केट कपड़ों के लिए सबसे ज्यादा फेमस है। दूर दूर से लोग यहाँ पे कपड़ा लेने आते हैं क्योंकि यहाँ की जो कलेक्शन होती है ना सबसे ज्यादा फेमस है यहाँ पर, कि आपको एक से एक कलेक्शन मिलेंगे कपड़े का। तो इसी प्लाजा के नीचे धर्मतल्ला मार्केट का बाजार लगता है और उसके बाद न्यू मार्केट, श्री लेदर, सारी दुकान यहीं पर ही है। बड़े बड़े जो कपड़े के ब्रांड्स है ना सब यहीं पर है। तो चलते हैं गाइस धर्मतल्ला मार्केट को एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि क्या कलेक्शन है इस बार का 2022 का क्या कलेक्शन है। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं धर्मतल्ला मार्केट को। तो गाइस धर्मतल्ला का मार्केट यहाँ से स्टार्ट होता है और आपका इस प्लैनेट मेट्रो स्टेशन की आप मेट्रो से आते हो ना तो इस प्लैनेट उतरोगे तो आपका धर्मतल्ला मार्केट में डायरेक्ट मेट्रो पड़ता है और जहाँ से धर्मतल्ला मार्केट शुरू होती है और ठीक मेरे सामने बॉम्बे प्लाजा है ग्रांड होटल और इसी के नीचे पूरी धर्मतल्ला मार्केट स्टार्ट होती है। और धर्मतल्ला मार्केट बहुत बड़ी है, मैं आपको पूरा एक्सप्लोर करके दिखाऊंगा जितना हो सकेगा धर्मतल्ला मार्केट। तो चलते हैं आगे, काफी ज्यादा भीड़ लगी हुई है, देख रहे हो कितने ज्यादा लोग आए हुए हैं यहाँ पर। धर्मतल्ला में ये सब चीजें देखने को मिलती है, यहाँ पे जो हॉर्स वाले पुलिस होते हैं ये सब ज्यादा जहाँ पे क्राउड रहते हैं तो ये लोग मार्च करते हैं ताकि क्राउड को मेंटेन कर सकें। तो गाइज हम लोग धर्मतल्ला मार्केट की शुरुआत में एंटर कर रहे हैं, अभी जाता हूँ वहाँ पे। भाई साहब रिक्वेस्ट करते हैं कि दुकान को प्रमोट करो, भाई साहब यहाँ बताएंगे कि क्या रेट पे यहाँ पे क्लोथ्स मिल रहे हैं। भैया कितने का है टी शर्ट? 250। जारा कंपनी का है? तो गाइज जारा का सिर्फ 250, यानी आप यहाँ पे रीजनेबल प्राइस में पाओगे। तो ठीक है, ग्रैंड प्लाजा होटल के नीचे आपको सारी दुकानें देखने को मिलेंगी। तो गाइज अभी मार्केट में ट्रेन चल रहा है न्यू आया कितना 250 ना, गर्मी के लिए है, यानी गर्मी में अभी न्यू ट्रेंड चला है इस टी शर्ट का, 250 का है ओनली। देखो कैसे भाई साहब सेल कर रहे हैं, तो यही फेमस है गाइज यहाँ का, जो सेल करने का तरीका ना भाई साहब का काफी मस्त है। तो चलते हैं इसके अंदर एक्सप्लोर करते हैं। कितने का भैया? 550। ब्रांड मिलेगा 550 ब्रांड का, कौन सा ब्रांड का है? दाम का दाम है आपको मेरे पास मिलेगा 550 में मिलेगा, फुल्ली स्ट्रेचेबल है, फुल्ली स्ट्रेच है और 550 ओनली। भैया ज्यादा एक्साइटेड, 550 में। तो गाइस यहाँ पे ब्रांडेड वॉच देखने को मिलेंगी, आप खरीद सकते हो, सब ब्रांडेड वॉच है। ग्रैंड प्लाजा के नीचे देख रहे हो एडिडास से लेके पुणे से लेके किट्टो से लेके जितने भी ब्रांड्स है ना सब इस बिल्डिंग के नीचे आपको मिलेंगे, क्लोथ से लेके सूट से लेके सब कुछ। देखो यहाँ पे नाइक की जो कंपनी है और सारे ब्रांड के क्लोथ्स यहाँ पे आपको धर्मतल्ला में आसानी से मिल जाएंगे। और सबसे ज्यादा फेमस है धर्मतल्ला, ये जो फूड पे दुकानें लगी है ना सबकी कलेक्शन देखो, शर्ट्स की एक से एक कलेक्शन है गाइज, सब दुकानों के प्रोडक्ट की ना एक से एक कलेक्शन है और वो भी रीजनेबल प्राइस में, इतने चीप प्राइस में आपको और कहीं नहीं मिलेगी। तो फिलहाल आगे चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं क्योंकि धर्मतल्ला भी काफी बड़ा है गाइज। देखो भाई जी का सेल करने का तरीका, भाई जी का सेल करने का तरीका, 100 रुपए ओनली, चोरी का माल। होलसेल मार्केट है यहाँ पे, जो भी लो 100 रुपए का, 100 रुपए। तो आगे चलते हैं गाइस, अभी देख रहे हो सेल करने का तरीका, ओनली ब्रांडेड। तो अभी मार्केट में अभी अंदर ही जा रहे हैं तो देखने को काफी कुछ मिल रहा है, देख रहे हो सब लोग कलेक्शन देख रहे हो गाइस, शर्ट्स की कलेक्शन देखो क्या शर्ट्स है। मेरी आवाज शायद आपको आया ना है लेकिन देख रहे हो सिर्फ 100 रुपए में यहाँ टी शर्ट है, ओनली 100 रुपीज। क्या जोश है इन लोगों के अंदर सेल करने का, 100 सिर्फ 100 सिर्फ 100। हाँ ठीक है देख किस स्टाइल में जींस को राउंड करके बेची जाती है, काफी स्टाइलिश वे में।
और सब शायद फिक्स प्राइस की है, 550 की है, वहाँ पे प्राइस लिखा हुआ है। 550 में अच्छे अच्छे जीन्स मिलते हैं, और यहाँ पे ट्राउजर्स हैं 250-300 के ट्राउजर्स मिलेंगी। तो गाइस हमेशा यहाँ पे ना इतनी ज्यादा भीड़ लगी रहती है कि लोगों को आने की जगह नहीं होती है। देख रहे हो कितनी ज्यादा भीड़ है। इस मार्केट में दूर दूर से लोग शॉपिंग करने आते हैं। कोलकाता का बहुत ही फेमस मार्केट है धर्मतल्ला मार्केट। और यहाँ पे देखिए आपको ब्रांडेड चश्मा और यहाँ पे ब्रांडेड वॉच देखने को मिलेगी। आप यहाँ पे आके रेवन से लेके बड़े बड़े ब्रांड के जो गॉगल्स होते हैं ना और वॉच होते हैं आप ले सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि बहुत बड़ा मार्केट है, तो इसे एक्सप्लोर करने में काफी लंबा टाइम लगेगा। और कैसे सभी लोग रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि भाई मेरे दुकान को दिखाओ। भाई लोगों ने तो पकड़ लिया था मुझे और मेरे दोस्त को कि भाई मेरे दुकान को दिखाओ। तो फिलहाल और आगे जा रहे हैं और मार्केट को एक्सप्लोर करेंगे। हम लोग दूसरे गली में आ गए हैं। उस गली को छोड़ने के बाद हम लोग इस गली में आए जहाँ पे कोलकाता मार्ट है आगे में, जहाँ पे देखो स्पाइडरमैन है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, देख रहे हो कैसे खड़ा है स्पाइडरमैन। और ठीक आगे में कोलकाता मार्ट है और आगे में न्यू मार्केट भी है। और देख रहे हो कितने सारे लाइन से दुकानें लगी हैं टेडी बियर की। तो अगर आपको टेडी बियर लेनी है तो यहाँ से लो गाइस, काफ़ी रीजनेबल प्राइस में अच्छे अच्छे टेडी बियर। देख रहे हो कितनी बड़ी बड़ी टेडी बियर है यहाँ पर, और कितनी सब खाने पीने से लेके ए टू जेड सामान यहाँ पे मिलती है। धर्मतल्ला ऐसे ही फेमस नहीं है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है, पूरे इंडिया में फेमस है धर्मतल्ला मार्केट, न्यू मार्केट। और उसके बाद अब गाइज यहाँ पे आपको 100 रुपए में लेडीज पर्स जो होती है ना मिल जाएंगी। और तो गाइज कितने सुंदर सुंदर टेडी बियर हैं, और मन कर रहा है ना कि कोई बड़ा वाला टेडी बियर ले लूं। देख रहे हो कितने क्यूट लग रहे हैं सारे के सारे। और यहाँ पे तो स्पाइडरमैन की बात ही कुछ अलग है, ये तो सबको ऊपर से देख रहा है कि धर्मतल्ला में कौन क्रिमिनल है जिसे पकड़ सके। और यहाँ पे कोलकाता मार्ट यानी सिटी मार्ट। और गाइज जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ न्यू मार्केट है, न्यू मार्केट काफी फेमस है कपड़ों के लिए। और यहाँ पे सीधे आप निकल जाते हो धर्मतल्ला के और एक दूसरे गली में जहाँ पे लड़कियों का कपड़ा ज़्यादा मिलता है, और लाइन से लड़कियों के कपड़े लगे हुए हैं पर्स से लेके। तो गाइस यहाँ पे मार्केट ही मार्केट है, देखो झुमकों की पूरी एकदम दुकान लगी हुई है। अब चलते हैं और आगे, वहाँ पे देखो लड़कों की जो जैकेट्स होती हैं और ब्लेजर्स और जैकेट, मोदी जैकेट सब कुछ यहाँ पे मिलेंगी। तो गाइस लाइन से यहाँ पे पूरी दुकानें लगी हुई हैं, और भाई पूरे जूते की दुकान लगी हुई है यहाँ पर। देख रहे हो पूरे लाइन से दुकान ही दुकान है। जितने लड़कों की नहीं दिख रही है उतने लड़कियों की। एक्चुअली हम लोग लड़कियों वाले जो जहाँ पे सामान मिलते हैं ना उस जगह पे आ गए हैं। तो फिलहाल गाइस जैसा कि हमने देखा कि धर्मतल्ला मार्केट काफी बड़ा है, एक दिन में एक्सप्लोर करना सही नहीं होगा। सही क्या, मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि अंधकार हो रहा है और अंधकार में वीडियो अच्छी नहीं बनती है। फिलहाल अमरदीप को कैसा लगा धर्मतल्ला मार्केट, ऐसे हम लोग आते रहते हैं। तो दोस्तों आप लोगों से कहना था, अगर आपको फैशन का कोई भी एक्सेसरीज लेना हो तो आप इस मार्केट में एक बार जरूर आए। लेना है या नहीं लेना है आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आपको यहाँ पे सब चीज बहुत ही चीप प्राइस में, रिजनेबल प्राइस में मिलेगी। और आप अगर नहीं मन बना के आते हो ना कि नहीं लेना, लेकिन आप जब आओगे ना तो आपको कुछ ना कुछ लेने का मन करेगा। आप हमारे चैनल में भी जाएं, उसको भी सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं भी एक ब्लॉगर हूँ। नहीं पहले मेरे को कर लेना, उसके बाद इसको करना। दोस्तों मैं भी एक छोटा सा क्रिएटर हूँ, आप हमारे चैनल में जाके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो। तो फिलहाल गाइस हम लोग चलते हैं आगे। तो अगर मेरे ऑडियंस में अगर कोई भी लड़की है ना, तो देखो कितने अच्छे अच्छे लहंगे मिल रहे हैं मुझे। थोड़ा सा तो आप सभी का चॉइस पता रहता है कि क्या अच्छा लगता है। तो देखो यहाँ पे आपको रीजनेबल प्राइस में मिल जाएंगी, अब तकरीबन 600-700 रुपए की। फिलहाल गाइस एक चीज फेस करना पड़ता है, जब भी कहीं पे बनाने जाता हूँ ना ब्लॉग, तो सब दुकान वाले अरे भाई मेरा दुकान का वीडियो बनाओ, मेरे अमरदीप के साथ मेरे साथ कितना रिक्वेस्ट करके भाई मेरा बनाओ, पकड़ ले रहे गाइस। तो बना ले रहा हूँ उनके मन के खुशी के लिए, इसी बहाने उनके दुकान को प्रमोट भी कर दे रहा हूँ, बिना पैसे के कोई चार्ज नहीं लेता हूँ। और दोस्तों एक बात आप सबसे कहनी थी, अगर आप धर्मतल्ला के इस टाइप के मार्केट में आते हो तो आप ज्यादा देर, अगर आपको वो सामान नहीं लेना तो ज्यादा देर मत रुकिए, क्योंकि वो हाथ पकड़ के टालने लगते हैं, हाथ पकड़ के टालने लगेंगे कि आप सामान लो, आपको फोर्स करने लगेंगे अगर आप ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो। अगर बोलते हैं कि भाई लेना है तो आप बोलना नहीं भैया मैं देख रहा हूँ, बस मुझे लेना होगा तो मैं बता दूंगा। तो फिलहाल का इस वीडियो को करते हैं यहीं पर खत्म, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और कैसा लगा ये जगह धर्मतल्ला कमेंट सेक्शन में बताना। तो मिलते हैं फिर से एक नए ब्लॉग के साथ, एक नई जगह के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।